माता का भगवान का नाम लेके मेरे श्रद्धांजलि के दो शब्द यहाँ पे रखता हूँ। मैं हमेशा मराठी में बात करता हूँ, अहरानी में बात करता हूँ। ये श्रद्धांजलि के शब्द रखते हुए कोई मराठी लफ्जा आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त मार्गदर्शक आदरणीय रशीद साहब के चरणों में पहले बार सुपुर्द करता हूँ। आज यहाँ पे अपने मालेगांव की जाने माने हस्ती, सभी जाति धर्मों के नेक और पाक लीडर के वास्ते ये शोक सभा यह आपके संपन्न हो रही है। इस शोक सभा के अवसर पर उपस्थित मालेगांव के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी पार्टियों के जाने माने नेतागण, मंच पर विराजमान सभी बड़ी बड़ी हस्ती और उपस्थित प्यारे दोस्त, पहली बात तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी की तरफ से अपने मालेगांव के जाने माने हस्ती को, आदरणीय स्वर्गीय रशीद साहब को, अपने सभी की तरफ से बाबा बलोदीदार मित्रमंडल की तरफ से हृदय से उनकी पारी यादों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। रशीद साहब के बारे में बहुत सारी बातें बोल दी आप, दो मिनट का वक्त है, दो मिनट में राजू भैया ने बोला कि यह ऐसा रशीद साहब के अंदर में क्या था कि वो सबको अपने लगने लगे थे और ये सियासत में बदलाव आए थे। मराठी में पहले बोलूंगा, दुसऱ्याच्या दुःखाची जाणीव हीच खरी दोन हृदय जोडणारी सर्वश्रेष्ठ माणुसकीची वाट आहे, त्या माणुसकीच्या वाटेवरचे प्रवासी रशीद साहब। जो माणुसकीच्या वाटेवरचा प्रवासी असतो तो धन मिळत असताना हजारो हृदय सुद्धा जोडून घेत असतो। मला वाटतं दुसरे के दुःख और तकलीफ को महसूस करना, ये दो हृदय और हजारों हृदय जोड़ने वाला सबसे बड़ा इंसानियत का रास्ता है, वो रास्ते के वह इंसानियत के मुसाफिर थे, इसीलिए इस दुनिया में उन्होंने हजारों हृदय जोड़े, इसीलिए उनके आखिरी वक्त में जो अभिभाव की दुनिया के साहब ने कि इतना जनाजा क्यों था, तो जो मानुष की के धनी थे दूसरे को तकलीफ को महसूस करते थे इसीलिए इतना जनाजे में पब्लिक थे। ऐसे थे कि लोग खुद के लिए, बहुत सारे लीडर खुद के लिए जीते और खुद के लिए सोचते हैं, बहुत चुनिंदा लीडर और चुनिंदा लोग रहते हैं कि वो दूसरे को लिए जीते हैं और दूसरे के बारे में सोचते हैं। वो चुनिंदा लीडरों से महाराष्ट्र के अंदर में एक रशीद साहब थे, वो खुद के परिवार की ईद नहीं करते वक्त, मीठी करते वक्त, मेरे मोहल्ले की, मेरे शहर की किसकी ईद पुरानी है, किसके ईद की मिठाई जूनी है, पुरानी है, मीठी नहीं है, वो सोच के मूल्य के हजारों लोगों को दीवार का ईद की नहीं करने वाले और मीठी करने वाले एक नेक पाक और दरिया के इंसान सिर्फ इधर के लोगों के लिए, हमारे तरफ के जितने भी कार्यकर्ता उनमें प्यार करते थे, उनके कार्यकर्ता थे, तो गरीब कार्यकर्ताओं की दीवाली भी मीठी और नहीं करने वाले एक नेक पाक और दरिया के इंसान थे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक करने वाले की बात याद रखी है, यह हकीकत है। सियासत में और राजकारण में बहुत सारे लीडर जो पैसे वाले होते हैं, जो कार्यकर्ताओं के पास पैसे होते हैं उनको बड़ा करते हैं। रशीद साहब ऐसे एक हस्ती थे, ऐसे एक राजकारणी लीडर थे, वो पैसे वाले को तो टिकट देके बड़ा करते ही थे, लेकिन उनके लिए जी जान से काम करने वाले, योगदान देने वाले जो बड़े कार्यकर्ता थे, वो पैसे वालों से ऐसा समीप बना करते थे कि जो गरीब घर का जो कार्यकर्ता था उसको भी टिकट दिला के कार्पोरेटर करते थे, इधर के भी और उधर के। इसमें यहाँ बैठे हुए विठल वगैरह जोबली में का कार्य करता है, उसको एक उसको कार्पोरेटर बना के कहा कि काम कर दिया, उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। उसके बाद में मेरे साथ में काम करने वाले मधुकर देवे थे, वो हिंदू की तरफ थे, उसके पास कोई नगर सेवक नहीं थे, फिर भी मधुकर देवे को विरोधी पक्ष नेता बनाने वाले जिंदा दिल एक बड़े दिल के हिंदू मुस्लिम भाईचारा बड़े करने वाले और हकीकत में उसको अंजाम देने वाले एक पाक दिन के नेता रशीद साहब। इन्होंने उनकी जिंदगी में बहुत सारे पुण्य के काम किए और बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी दी और उसके पैरों पे खड़े कर दिया।
दूसरों के लिए दूसरे गरीब कार्यकर्ताओं के लिए दूसरों के आगे हाथ जोड़ने वाले और हाथ फैलाने वाला नेता था, उसको कभी कम करता नहीं था। ऐसे एक नेक बात और अच्छे इंसान थे, उनकी ये वजह से एक पॉलिटिशियन में धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन दुआएं बहुत कम कमाते हैं, वो दुआएं कमाने वाले थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको जाते वक्त एक बख्शीश दे दी। भैया जब रशीद साहब यहां से चल बसे ये दुनिया से 20 मिनट या 30 मिनट हुए, यहां से एक बंदा काबे में था मक्का, उन्होंने काबे की तरफ मुंह करके काबे की तरफ मेरे मारे का शहर के जानी मानी पाप और सबके लेके चलने वाला एक इंसान चल बसा है, वो भी इंसान है, उसकी तरफ से कुछ गलतियां हो गई वो तो माफ करना अल्लाह, उनको जन्नत महसूस करना, उनको जन्नत नसीब करना, ये दुआएं आधे घंटे के अंदर काबे या मक्का में पड़ी गई भूली गई, ये इनके पवित्र काम के और जो दुआएं तो उन्होंने इकट्ठा की उनकी अल्लाह ताला ने बख्शी दी। ऐसे नेक और पाक इंसान थे, उनके बारे में बोलना दो मिनट में इतनी छोटी बात नहीं। मैं मेरे मालेगांव तरफ मालेगांव के सभी जाति धर्मियों की तरफ से भारत मुक्तिदार मित्र मंडल की तरफ से उनको उनकी आत्मा को सुख शांति मिले, सदगति प्राप्त हो, उनको जन्नत नसीब हो, यही प्रार्थना सभी जाति धर्मों की तरफ से और भारत मुक्तिदार मित्र मंडल की तरफ से मेरे बच्चा परिवार की तरफ से करता हूँ और मेरे श्रद्धांजलि के भाषण को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। सत्य काबू में आने वाले उसी तरह आपके साथ में रहूंगा।